नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से महाराष्ट्र के सोलापुर स्टेशन के बीच में रोजाना चलती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के बीच में रोजाना चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12115। आगे हम बात करेंगे इस रूट मैप के बारे में। तो ये जो ट्रेन है मुंबई से रवाना होती है थाने, कल्याण, करजा जंक्शन होते हुए ये पुणे जंक्शन में पहुँचती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दाहौंद जंक्शन होते हुए कुर्डुवड़ी जंक्शन होते हुए ये सोलापुर महाराष्ट्र में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। ओवरनाइट ट्रेन है, डेली ट्रेन है और इसका ट्रेन नंबर है 12115। और ये जो ट्रेन है 8:05 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर के बीच में की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशंस हैं, 452 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा और इसे सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो कोचेस वाइज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सोलापुर महाराष्ट्र तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें एक फर्स्ट एसी का कोच है जिसका मुंबई से सोलापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 1845 रुपये, जिसमें 1622 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 88 रुपये है। टोटल किराया जो है वो 1845 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी के इसमें तकरीबन जो हैं 3 कोच हैं, तो जिसका किराया जो बनता है 1100 रुपये बनता है, जो कि 952 रुपये तो बेस फेयर है और रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 53 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1100 रुपये। और इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में तकरीबन 3 कोच हैं, तो थर्ड एसी का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 790 रुपये, जिसमें 667 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 38 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 790 रुपये। ये तो होगी किराए की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास के तकरीबन 10 कोचेस हैं, जिसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक का जो टोटल किराया है वो है 305 रुपये, जिसमें 255 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 305 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये मुंबई से सोलापुर तक का है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों के तकरीबन 4 कोचेस हैं, जिसका टोटल किराया जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक का वो है 180 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रोजाना सोलापुर के लिए रवाना होती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये हर रोज रात के 10:45 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन दादर सेंट्रल मुंबई में पहुँचती है, जिसका स्टेशन कोड है DR। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:57 पर पहुंचती है और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दादर सेंट्रल की जो दूरी है तकरीबन 9 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद थाने स्टेशन में पहुँचती है ये ट्रेन सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है, यहाँ पर रात के 11:17 पर पहुँचती है और 11:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 33 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में पहुँचती है रात के 11:42 और 11:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कल्याण जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है KYN। इसके बाद ये ट्रेन जो है
सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है करजत जंक्शन में पहुंचती है। करजत जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:28 पर पहुंचती है और 12:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 98 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खंडाला स्टेशन में पहुँचती है रात के 12:58 पर और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 122 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। खंडाला स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है लोनावला स्टेशन में पहुँचती है रात के 1:13 पर और 1:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है पंडरपुर मुंबई फास्ट पैसेंजर ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और लोनावला के बाद सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो पुणे जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:15 पर और 2:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। पुणे जंक्शन का स्टेशन कोड है पुणे PUNE और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो है रुकती है। मुंबई से पुणे की जो दूरी है 190 किलोमीटर के करीब जो है यह सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है यहाँ तक ट्रेन जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पुणे जंक्शन के बाद सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो दाहोंद जंक्शन में पहुँचती है रात के 3:33 पर और 3:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 264 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। दाहोंद जंक्शन में ये ट्रेन जो है यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस के साथ हर सोमवार और शनिवार को इसकी क्रॉसिंग होती है और दाहोंद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है DD। इसके बाद ये ट्रेन जो है सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है भिगवान स्टेशन में पहुँचती है। भिगवान स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 4 बजे के करीब पहुँचती है और 4 बजे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 292 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भिगवान स्टेशन का स्टेशन कोड है BGVN और यहाँ पर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो है हजूर साहब नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जयपुर स्टेशन में पहुँचती है सुबह 4:40 के करीब और 4:40 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जयपुर में ये ट्रेन जो है मैसूर साईनगर शिरडी वीकली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो कुर्डुवरी जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है। कुर्डुवरी जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है सुबह 5:08 पर पहुँचती है और 5:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और मुंबई से कुर्डुवरी जंक्शन की जो दूरी है ये तकरीबन 374 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। कुर्डुवरी जंक्शन जो है इस ट्रेन का 12वां स्टेशन है और कुर्डुवरी जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है KWV और यहाँ पर ये ट्रेन जो है तकरीबन इस स्टेशन पर तकरीबन 75 ट्रेनें जो है डेली हॉल्ट करती हैं और यहाँ पर ये ट्रेन जो है डेली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो है इसे एक ओवरटेक करती है और काफ़ी हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग भी होती है। इसके बाद मोहल स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 5:50 के करीब पहुँचती है और 5:50 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड है MO और तकरीबन 419 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मोहल के बाद ये ट्रेन जो है सिद्धेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है मुंबई से चलकर अपने आखिरी स्टेशन सोलापुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:50 पे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 452 किलोमीटर के करीब जो है ये सोलापुर तक कवर कर चुकी होती है। सोलापुर जो है इस ट्रेन का 14वां और आखिरी स्टेशन है। इसका स्टेशन कोड है SUR। दोस्तों इसी के साथ सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो कि मुंबई से सोलापुर के बीच में रोजाना चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो ना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन रूट पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद। मेरा नाम है राजन, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल से। जय हिंद दोस्तों।